ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर शुक्रवार के राशिफल के बारे में कि यह दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना अच्छी है, इसलिए अपना प्रयास कर अच्छी सफलता प्राप्त होने में सफल आज आप हो सकते हैं। आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हर किसी कार्य को समय के अनुसार करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए आपको कामयाबी अच्छी प्राप्त होने की संभावना आज पाई जाती है। आज आपको किस्मत का सहयोग मिल सकता है, कामकाज में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम भी आज हो सकती है, अचानक फायदा होने के आज अनेकों योग बन रहे हैं, आपको किस्मत का साथ आज मिलने वाला है, पैसों के कामकाज भी आप सुबह सुबह ही निपटा लें, निजी जीवन और ऑफिस दोनों मामलों में तनाव और दबाव खत्म होगा, नए और दिलचस्प लोगों के मिलने के आज योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आर्थिक लाभ के आज आपके लिए अनेकों योग हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य की सार्थकता के लिए प्रयत्नशील होगा, कठिन परिश्रम से रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में सफल रहेंगे, पुराना अटका हुआ धन भी आज आपको वापस मिल सकता है, परिवार के साथ आज आप समय बिताएं, मानसिक सुख और शांति आपको प्राप्त होगी, पुण्य के कार्यों के पीछे धन का आज व्यय होगा, ईश्वर की आराधना आपके मन को शांति प्रदान करेगी, आपका उत्तम प्रदर्शन आपके प्रतिद्वंदियों के लिए चौंका देने वाला रहेगा, आपके कार्य स्थल पर आपको अपार सफलता हासिल होगी, फिर चाहे वो पदोन्नति हो या मान सम्मान, व्यवसाय करने वाले जातक कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें और जिसका परिणाम आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा, किसी नई जगह घूमने जाने का अवसर मिलेगा जिस कारण आपकी ऊर्जा और उत्साह दोनों में ही वृद्धि होगी, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी आप आज जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों समय आज आपके पक्ष में है, प्रकृति आपको जोश और खुशी के माहौल का उपहार दे रही है, इन उपलब्धियों का भरपूर आप उपयोग करें, पारिवारिक सामंजस्य और उनकी देखभाल करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, आज आपको कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों आपके मन पर नकारात्मक विचारों का आक्रमण होने से मन में हताशा रहेगी, अनैतिक और अप्रामाणिक कार्य विपत्ति में आज आपको डाल सकता है, इसलिए संभव हो तो उससे दूर ही रहें, कार्यभार की आज अधिकता रहने से मानसिक अस्वस्थता भी हो सकती है, संतान की चिंता भी आज आपको रहेगी, साथ ही साथ आपकी आमदनी अच्छी रहेगी परंतु आमदनी के साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावना है, ऐसे में आपको अपनी आमदनी और खर्चों में तालमेल बिठाने के लिए अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, साथ ही साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में मुनाफा होगा, आप महंगी वस्तुओं को खरीद सकते हैं परंतु आपको अपने महंगे शौक पर रोक लगानी होगी, अन्यथा आपके सामने आर्थिक संकट भी आ सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ जरूरत है बातचीत में गरिमा बनाए रखने की, आपकी क्रोध में की गई बात
किसी से मतभेद उत्पन्न कर सकती हैं और दूसरों से रखी गई उपेक्षा भी आपके स्वयं के लिए मायूसी पैदा करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। दोस्तों आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा और प्रत्येक कदम बहुत ही सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना होगा, तभी आप एक सुखमय दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने में सक्षम होंगे। जी दोस्तों साथ साथ जीवन साथी की भी आज तरक्की होगी। लव लाइफ के मामलों में भी सितारों का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा। मानसिक दबाव के बावजूद खुश रहने की आज आप कोशिश करेंगे। जी दोस्तों जीवन साथी से संबंध में मधुरता आएगी जिससे खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लव मैरिज के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है विवाह के लिए निर्णय लेने का। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कारोबार आज अच्छा चलेगा और धन लाभ की आज स्थिति रहेगी, लेकिन कार्यभार की अधिकता रहेगी और दिन भागदौड़ में बीतेगा। यदि आप नौकरी करते हैं और किसी तरह के निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिल सकती है और समय के अनुसार आपको निवेश भी करना पड़ सकता है जो आपके लिए अवश्य ही लाभदायक साबित होगा। साथ ही साथ आज आपका नए लोगों से संपर्क बनेगा। मनोरंजन के कई अवसर आपको मिलेंगे जिनसे जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत आप कर पाएंगे और उनका पूर्ण सहयोग भी आपके साथ रहेगा। विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़े जातकों को सफलता के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। कामयाबी के लिए जमकर मेहनत करने की आपको आवश्यकता होगी। स्टूडेंटों के लिए भी समय आज का बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज किसी तरह का वायरल समस्या उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज आप अपने खानपान पर विशेष रूप से ध्यान दें। अपनी दिनचर्या को आज आप सुचारू रूप से सही बनाकर रखें और साथ साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक मुट्ठी अखंडित चावल लें। या दोस्तों ध्यान रखें कि जो आप एक मुट्ठी चावल लेंगे वे टूटे ना हों, बिल्कुल साबित होने चाहिए, अखंडित नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपको इसका शुभ फल नहीं मिलेगा। या दोस्तों जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, एक मुट्ठी साबुत चावल लें, इसके बाद आप इन एक मुट्ठी चावलों को मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बहते हुए जल में प्राहित कर दें और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाएं मांगें। या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही मां लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी। जो भी आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगी और आपको ऐसा करने से जल्द ही विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।